हाय फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ बर्लिन में और मैं अभी अपनी बैल्कनी में बैठा हूँ। एंड आई जस्ट थॉट क्यों ना शॉर्ट वीडियोस बनाए जाए एंड आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए जाए। सो वन ऑफ द कॉमन डाउट्स दैट आई फ्रीक्वेंटली गेट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड सोशल मीडिया हैंडल्स इज कि GS पढ़ने का कोई तरीका होता है या फिर जो मन में आए वो पढ़ा जाए। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि पढ़ना सब कुछ है एक साल के पीरियड में, पर उसका जो सीक्वेंस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप हमेशा सुनते हो कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट स्मार्ट स्टडी कि आप पहले क्या पढ़ते हो और उसका बेनिफिट आप आने वाले दिनों में कैसे उठाते हो। सो माई सजेशन वुड बी व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर स्टडी, स्टार्ट कैसे करना है उसका एक अलग से वीडियो मैंने अभी अभी बनाया है, तो आप वो एक बार देख लीजिए। बट जब आप GS की पढ़ाई स्टार्ट करते हो फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या करना है, साल के शुरुआत में ही स्टार्ट विद GS 4। यस, स्टार्ट विद GS 4, बिकॉज 1-1.5 महीने में ही आप GS 4 कंप्लीट कर लोगे। एंड फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, आप अभी साल के शुरुआत में 1 महीना आराम से दे सकते हो, ठीक है, अभी आपकी शुरुआत है, आप समझ रहे हो, तो यू कैन डेडिकेट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। बट द प्रॉब्लम इज, उतना 1 महीना साल के एंड में अगर आप देना चाहो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके पहले के सब्जेक्ट्स में से बहुत सारा पार्ट पेंडिंग रहेगा और आप GS 4 को उतना टाइम, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। सो इट्स बेटर कि पहले ही GS 4 ख़त्म करो। उससे ये होगा कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैंने फाइनली GS 4 जैसा एक मेजर सब्जेक्ट कम्प्लीट कर लिया है। प्लस जैसे ही GS 4 1-1.5 महीने में ख़त्म होता है, वॉट यू कैन डू इज़ आप पिछले साल जो पेपर्स आए हुए हैं, जो केस स्टडीज़ है, उसको प्रैक्टिस उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका, आपकी पेपर प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी। एंड बिकॉज यू हैव रेड इथिक्स, तो आने वाले दिनों में आप इथिक्स अप्लाई कर सकते हो, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको एक इथिकल एंगल से भी देख सकते हो। तो स्टार्ट विथ GS 4, गेट इट डन विथ इन 1 or 1.5 months, उसके बाद गो फॉर GS 1। यस, साइमल्टेनियसली आप अपना ऑप्शनल या फिर न्यूज़पेपर, ऑप्शनल एंड न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स है वो पढ़ सकते हो। अब मैंने पहले कुछ वीडियोस में ऐसे बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी नहीं है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है। सो यू हैव डन GS 4 एंड नाउ यू आर डूइंग GS 1, साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग योर ऑप्शनल एंड योर करंट अफेयर्स। तो GS 1 जब कर रहे हो तो GS 1 इज़ वेरी वास्ट, उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो गिव इट इनफ टाइम, 2 to 3 months इज़ रिक्वायर्ड टू कवर GS 1 फर्स्ट रीडिंग। एंड क्योंकि आप साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपका GS 2 एंड GS 3 का एक मेजर पोर्शन साइमल्टेनियसली कवर हो रहा है। सो वंस यू आर डन विद दिस, वॉट हैपन्स इज यू विल हैव कवर्ड GS 4, यू हैव कवर्ड GS 1, एंड नाउ वॉट रिमेन्स इज GS 3 एंड GS 2। सो वॉट यू कैन डू इज गेट डन विद GS 2 एंड लेट योर GS 3 कोइंसाइड विद द टाइम वेन बजट कम्स, यू नो, फेब्रुअरी, जैन, फेब, मार्च के आसपास अगर आप अपना GS 3 करते हो तो इट विल कोइंसाइड विद द बजट। एंड आप GS 3 करते करते बजट एंड जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो सब उसके साथ साथ पढ़ सकते हो, तो यू कैन क्लब इट विथ योर GS 3 प्रिपरेशन। सो इस तरह साल भर में आपके सारे GS कवर भी हो जाएंगे एंड बिकॉज यू हैव अरेंज्ड इट इन सच अ वे, तो आपकी जो, आपका जो आउटपुट है वो भी मैक्सिमम रहेगा। सो दिस इज़ द सजेशन फ्रॉम माई साइड। बाकी आप अगर कोई क्लास फॉलो कर रहे हो और आपको उसके साथ ये सब पढ़ना पड़ रहा है तो इट्स अप टू यू, यू मे फॉलो द क्लास। बट जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिनको भी ये एडवाइस चाहिए, तो मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी, गो विद दिस सीक्वेंस, GS 4, GS 1, GS 2 एंड देन GS 3। एंड प्रिलिम्स के 2 से 3 महीने पहले गिव डेडिकेटेड टाइम फॉर प्रिलिम्स प्रिपरेशन। इसको डिटेल में देखना है तो हमारे वीडियो, हमारा जो वीडियो चैनल है उस पर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे फॉर प्रिलिम्स एंड फॉर मेंस। सो प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस, इट मे हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू, सी यू अगेन विथ मोर वीडियोस ऑन योर डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट्स में मुझे बताते रहिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।